अपने पीक पे माना कि सब कुछ वर्चुअल चल रहा है बट स्टिल यार एक्साइटिंग तो है ना आप कॉलेज अब मतलब स्कूल से आप कॉलेज में आए हो सो एक्साइटमेंट लेवल इतना और मतलब हमें हर एक बच्चा मुझे जहां तक पता है हर एक बच्चा ये मोटो बना के जाता है कि यार मैंने स्कूल में चाहे जैसा पढ़ा हो चाहे जो बर्बादी की हो अभी मैंने अपने कॉलेज में हंड्रेड परसेंट देना है ठीक है एंड दिस इज़ समथिंग दैट कैन एक्चुअली लीड यू टू सम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज यू मे एंड अप टू डार्क डोर्स एज वेल हाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कॉलेज में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं होती है और ऐसे कौन से दुनिया के कांड है जो आप यहाँ पे नहीं सीखते हैं हालांकि कुछ सीखते हैं कुछ करने लगते हैं कुछ एकदम त्रस्त हो जाते हैं अरे भाई हम ये सब अपना स्कूल दिनों में ही कर चुके हैं वो बात अलग है सो सेमेस्टर वन में आपको सबसे पहले कॉलेज में बच्चों को मानो चाहे नहीं मानो प्रॉब्लम होती है सिलेबस को समझने में सिलेबस इज वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आती है अगर मैं किस बाकी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दूँ सिर्फ डी की बात करूँ तो ट्रस्ट मी, मैनी स्टूडेंट फेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भैया ये सिलेबस है क्या मतलब स्कूल में तो चलती थी हिस्ट्री की बुक फिजिक्स की बुक केमिस्ट्री मैथ्स ये वाली बुक है ये रेफरेंसेज एंड ऑल ये पढ़ना है लेकिन क्या ऐसे कॉलेज में तो आपको पूरा पी प्रोवाइड करते हैं वो कि सेमिस्टर वन का आपका सिलेबस ये है अलग अलग टॉपिक्स दिए होंगे उसके जो है यूनिट के सब टॉपिक्स होंगे फिर उसके रेफरेंसेस सजेस्ट किए होंगे ठीक है तो वो कैसे करना है दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहले तो यार सिलेबस समझ लो ठीक है ऐसा हो नहीं सकता कि आप जिस कोर्स में जा रहे हो उसका कोर्स का कुछ ही नहीं आता हो उनका हो सकता है जैसे कि जिन्होंने अपना फील्ड ही चेंज किया साइंस वाले आर्ट्स में एंटर कर गए या फिर कॉमर्स वाले आर्ट्स में आए साइंस वाले साइंस में जा रहे हो कॉमर्स वाले कॉमर्स में आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना मतलब कॉमर्स आप बी कॉम कर रहे हो साइंस वाले बी एस सी आएगा ना समझ में आपको कंप्लीटली चेंज करोगे तो नहीं आएगा इनफैक्ट यू वोट बिलीव दैट कि मेरा क्रैश कोर्स जो चल रहा है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेमेस्टर वन में उसमें हमारे uh तकरीबन चौदह से पंद्रह सॉरी सॉरी हाँ चौदह से पंद्रह स्टूडेंट्स हैं तो उसमें क्या हुआ कि मैंने आंसर राइटिंग को बोला कि भैया एक ये आंसर है तुम लोगों को इस टॉपिक पे लिख के आना है अभी उसमें दो जो हैं वो नॉन यूमैटीज़ स्टूडेंट्स हैं मतलब ये साइंस बैकग्राउंड से हैं और वो बारह ने आंसर का किया गुड गोबर ठीक है गुड़ गोबर go नहीं बोलूंगी मैं सॉरी बच्चे अगर आप लोग देख रहे हो तो गुड़ गोबर go नहीं मतलब उतना अच्छा नहीं किया जितना एक्सपेक्ट और जो दो साइंस वाले भाई उन्होंने क्या गजब का लिखा मतलब मुझे लगा कि बारह नॉन हमारे ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो वट एम सेम कि सबसे पहले सिलेबस समझो उसके बाद उसके जो रेफर्ड आपके यूनिट्स हैं टॉपिक्स हैं उनको देखो एंड देन गो फॉर इट सेमेस्टर वन में इतना टेंशन नहीं लेने का लेकिन थोड़ा जरूर लेने का एकदम ऐसे लूज नहीं होने का क्योंकि कई बार मैंने अभी तक कोविड के टाइम पे एक दो साल में ये रियलाइज़ किया है कि हर वक्त आपको कांस्टेंट कौंस्ट, कांस्टेंट एफर्ट डालने चाहिए अगर आप एक सेमेस्टर वीक हो गए पता चला एक सेमेस्टर आपका रिजल्ट तय कर दे क्यों मैं आपको बताती हूँ कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर वन का उन्होंने एग्ज़ाम लिया और फिर सेमेस्टर टू थ्री फोर का आया ही नहीं ठीक है मतलब सिचुएशन की वजह से उसकी वजह से बच्चों ने जिन्होंने सेमेस्टर वन में बेकार परफॉर्म किया तो उनका तो थर्ड सेकंड से किस्मत ही डिसाइड हो गई ना और वो चाहे जितना भी कर ले फिफ्थ और सिक्स में तो बिगाड़ नहीं पाएंगे हाँ ये मैं अपनी कहानी बता रही हूँ तो ऐसा ठीक है सेमेस्टर वन में सिलेबस समझो फिर जितना कवर्ड आपको करना है वो ग्रेजुअली करते जाओ आपको अगर लैंग्वेज टफ लगती है जो कि होता ही है आप स्कूल लेवल से कॉलेज में गए हो आप स्कूल में थे आप कॉलेज में गए हो तो जो बुक का लैंग्वेज है जो लेवल है वो सब कुछ एकदम से बढ़ जाता है उसके लिए आपको पहले से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे लाइक जब आप कॉलेज में जाते हो तो कैसा लेकर कॉलेज में जाते हो मतलब इसका ज़्यादा हाइप मत बनाना इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है इज जस्ट दे आज फॉर स्ट्रक्चर दे एक्सपेक्ट यू कि भाई अब तुम स्कूल वाले बच्चे की तरह बिहेव ना करो और थोड़े अच्छे से अपने आंसर राइटिंग जो है करो अभी जिनका ऑब्जेक्टिव है तो वो तो ये उनके लिए तो काम का ही नहीं है ये लेकिन जिनका थियोरेटिकल पोर्शन रहता है उनको ये चीज़ ज़रूर करनी होती है स्ट्रक्चर का जरूर ध्यान रखना होता है है सिलेबस हो गया आपका यूनिट हो गया फिर उसके बाद जो है आपको अपना आंसर राइटिंग यहाँ पे फोकस करना है और आपको बुक्स का अगर समझ में नहीं आता यार कोई बात नहीं जो टॉपिक आपके में पढ़ाया जा रहा है ना वो इंडिपेंडेंटली इंटरनेट से किसी आर्टिकल से पढ़ लो आ जाएगा समझ में हम लोग सेमेस्टर वन का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का अभी क्लासेस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग एक टॉपिक आ रहे हैं कंजर्वेटिव ठीक है अब कंजर्वेटर्स में जो हम लोगों ने रेफर्ड वाले से किया था ना वो इतना डिफिकल्ट उसका लैंग्वेज था ऑनेसली स्पीकिंग इवन आई वॉज फाइंडिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू कि मैं इनको एक्सप्लेन कैसे करूँ ठीक है एक मतलब पॉइंट पे एकदम ईजिएस्ट वे में करूँ तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल लेते हैं अगर इंडिपेंडेंट आर्टिकल लिया उसका लैंग्वेज ईजी होगा तो उनका बेस तो बन जाएगा ना बेस के बाद फिर मैं उनको वो वाला रियल कॉन्सेप्ट पढ़ा सकती हूँ इनफैक्ट आप ऐसे समझ पाओगे दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक दैट आई एम यूजिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर मुझे एक वर्ड का मतलब समझना होता है राधा दन में बुक खोल के मैं सिर्फ ऐसे इंटरनेट पर सर्च कर लेती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाता है और बढ़िया भी है फिर आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को भी समझ जाते हो ठीक है तो ये चीज़ मैं बोलूँ सेमेस्टर वन में आपको ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जो ज़रूरी है आपको बाकी प्लीज़ मस्ती जरूर करना इतना कोई सीरियस मत लेना और ज़्यादा लाइटली भी मत लेना हर एक दो घंटे हर जगह का यही रूल है चाहे स्कूल में हो कॉलेज में हो या फिर बुढ़ापे में वट एवर वेन एवर यू आर डूइंग एनी वर्क जस्ट डू इट विथ कंसिस्टेंसी एक दो घंटे रोज करो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस काम में आपको जो है सक्सेस ना मिले आई स्टार्ट मेकिंग वीडियो वेन आई वॉज इन क्लास टेंथ वेथ मैर वेन आई वॉज इन क्लास इलेवेंथ मैंने हर एक दिन में जो है मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम जान देना होता था क्योंकि जब इतना ट्रिक्स नहीं पता था कि कैसे करते हैं ऑल ग्रेजुअली इट 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 हैज़ बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ लाइक अगर मुझे खाना है पीना है तो वीडियो भी बनानी है सो so, समथिंग जो आप कुछ लंबे समय तक कर लो 21 डेज वाला फॉर्मूला ज़रूर सुना सुनाओ कोई किसी भी चीज़ को इक्कीस दिन कर लो तो वो आदत बन जाती है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम नाउ यू विल सी द चेंज डू लेट मी अ कॉमेंट सेक्शन अगर मेरी कोई भी तहबाब के लिए जो है काम आई है और हाँ कॉलेज अबाउट एक्सप्लोरिंग तो डोंट फगेट कि एक्सप्लोर करना है आपको पूरा एकदम से किताबों में नहीं घुस जाना है और मज़े करना मज़े करना ऑटोमेटिकली ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सीरियसली इट इट इज़ एक्चुअली कनेक्टेड है जितनी चीज़ें आप किताबें से किताबों से नहीं सीखते हो ना उतना आप एक्सपीरियंस करके सीखते हो तो एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट आई कंसिडर इट्स गोल्ड सो हैव इट इनफैक्ट सबको ये अफोर्ड कर सकता है ये वाला गोल्ड फाइन देन अभी कोई टिप नहीं बची है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमारे पास कुछ और होगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए दैट हाउ योर फर्स्ट सेमेस्टर इज गोइंग ऑन आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आर नॉट वुड लव टू नो अबाउट इट सब्सक्राइब स्टडी टू फॉर मोर सच अंटिल देन बाय बाय